जय श्री कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा क्षात्र धर्म के दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां श्रणो बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। श्लोक से संबंधित प्रश्न होता है कि यहां ऐसा विशेषण के सहित बुद्धि ही पद किस बुद्धि का वाचक है और यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई इस कथन का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस समभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है उसी समता का वाचक यहाँ ऐसा पद के सहित बुद्धि ही पद है, क्योंकि ऐसा पद अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह समभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार समभाव से युक्त रहते हुए वर्ण आश्रम उचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गईं। एक और प्रश्न होता है कि 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस समभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। इसका उत्तर है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी भी भेद बुद्धि किसी भी प्रकार उसकी भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में ब्रह्म मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को समझने वाले पुरुष को की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का भगवान ने परम पात्र बतलाया। इसके बाद सत्य असत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोकों में आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकारत्व अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचिन मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। श्लोक से संबंधित एक और प्रश्न होता है
कि इमाम पद किस बुद्धि का वाचक है और अब तू इसको योग के विषय में सुन, इस वाक्य का क्या भाव है। तो इमाम पद भी उसी पूर्व श्लोक में वर्णित समभाव रूप बुद्धि का वाचक है। अतः उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही समभाव कर्म योग के साधन में किस प्रकार होता है और कर्मयोगी को किस प्रकार समभाव रखना चाहिए और उस समता का क्या फल है, ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूं। अतएव तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। एक और प्रश्न होता है कि यदि यही बात है तो 31वें से 37वें श्लोक तक का प्रकरण किस लिए है। इसका उत्तर है कि वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और 38वें श्लोक में यह बात समझाई गई कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है और इस श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीप कन्याय से संबंध दिखलाया गया है। एक और प्रश्न होता है कि यहां कर्म बंधन पद का क्या अर्थ है और उपर्युक्त समबुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है। तो इसका उत्तर है कि जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा उस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता ममता आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और फिर और भी अधिक उसमें जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतु भूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधम यह पद है। कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर अर्थात राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, इन कर्मों को भूने हुए बीज की भांति कर देना है, यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अव्ययस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्म योग के साधन का आरंभ करके उसके पूर्ण होने के पहले बीच में ही त्याग कर दे तो उसके पूर्ण होने तो जिस प्रकार किसी खेती करने वाले मनुष्य के खेत में बीज बोकर उसकी रक्षा न करने से या उसमें जल न सींचने से वे बीज नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार उस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं, इसका नाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्म योग को सत कहा है। एक और प्रश्न होता है कि इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जहां कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है, इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता।
सकाम भाव से देव पितृ मनुष्य आदि की सेवा में किसी कारणवश त्रुटि हो जाने पर उनके रुष्ट होने से साधन का अनिष्ट भी साधक का अनिष्ट भी हो सकता है, किंतु स्वार्थ रहित यज्ञ दान तप सेवा आदि कर्मों के पालन में त्रुटि रहने पर भी उसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश करने वाली न होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, इसी प्रकार इस कर्म योग के साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके तो भी उसके पालन करने वाले मनुष्य को न तो पूर्व कृत पापों के फल स्वरूप या इस जन्म में होने वाले आनुसंगिक हिंसादि के फल स्वरूप तिर्यक योनि या नरकों का ही भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्व कृत शुभ कर्मों के फल रूप इस लोक या परलोक के सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह मनुष्य पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वहां बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। एक और प्रश्न होता है कि प्रत्यवायो न विद्यते, इसका अर्थ कर्म योग के विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती, कर्म योग में विघ्न बाधा रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इसका उत्तर है कि पूर्व जन्म के पाप के कारण विषय भोगों का एवं प्रमादी विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है। एक और प्रश्न होता है कि अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद यहां किसका वाचक है, तो पूर्व श्लोक में योग के नाम से जिसका वर्णन किया गया है उसी कर्म योग का वाचक है। एक और प्रश्न होता है कि कर्म योग किसको कहते हैं, इसका उत्तर है शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव का नाम योग है, अतः ममता आसक्ति काम क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समतापूर्वक अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है वही कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म योग और मदर्थ कर्म और मत कर्म भी कहते हैं। एक और प्रश्न होता है कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन महान भय से रक्षा कर लेता है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है, तो इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्म योग का साधन यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है तब तो वह मनुष्य को किसी क्षण उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, अतः इसके पूर्ण साधन के महत्व का तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है, थोड़ा सा भी अगर प्रयास कर लेता है, अर्थात समत्व की अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्य के द्वारा थोड़े से भी कर्तव्य कर्म का आचरण समभाव से हो जाता है और वह थोड़ा सा भी समभाव यदि अंतकाल में स्थिर हो जाता है तब तो उसी समय मनुष्य को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करा देता है, इस प्रकार यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए हुए बड़े से बड़े यज्ञ दान तप तीर्थ सेवन और व्रत उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते और समभाव से किए हुए शास्त्र विहित भिक्षाटन युद्ध कृषि वाणिज्य सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भाव पूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव की ही प्रधानता है। एक और प्रश्न होता है कि जबकि यह कर्म योग का थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होने पर ही महान भय से रक्षा करता है तब फिर थोड़े का क्या महत्व रहा, इसका उत्तर है कि निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है
अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है, यही इसका महत्व है। एक और प्रश्न होता है कि यदि कर्म योग का थोड़ा सा साधन भी महान भय से रक्षा करने वाला है, तब उसका पूर्ण साधन करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है कि थोड़ा सा साधन भी रक्षा करने वाला तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उसमें समय का नियम नहीं है। पता नहीं वह इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को तो तत्परता और उत्साह के साथ पूर्ण रूप में ही समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे प्रयत्न करना चाहिए। एक और प्रश्न होता है कि महान भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है? इसका उत्तर है कि जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। इसी जन्म मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें उठती और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तब तक कितनी बार मरना पड़ेगा इसकी गणना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। इस प्रकार कर्म योग का महत्व बतलाकर अब इसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योगी की निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है उसका, और कर्म योग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद भगवान बतलाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। प्रश्न होता है कि व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है? तो इसका उत्तर है कि अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है, 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी समभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा यह बुद्धि एक ही है, यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता, इसी को स्थिर बुद्धि और सम बुद्धि भी कहते हैं। एक और प्रश्न होता है, अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोगासक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है।
किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद भी होते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब तीन श्लोकों में भगवान सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तिते वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धेः समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं और जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। प्रश्न होता है कि कायात्मानः पद का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है कि यहां काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मानः पद है। एक और प्रश्न होता है कि वेदवादरताः इसका क्या अर्थ है। तो वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरताः पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा की यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरताः पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवादरताः पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही हैं और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। श्लोक से संबंधित एक और प्रश्न होता है कि स्वर्ग पराह पद का क्या अर्थ है। जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं कि स्वर्ग ही प्राप्त करने योग्य स्थान है, जो ऐसा समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य स्थान कोई वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग पराह पद है। एक और प्रश्न होता है कि यहां नान्यदस्तीतिवादिनः इस विशेषण का क्या भाव है। जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। इनके अलावा कोई वस्तु ही जिनकी दृष्टि में नहीं है जिसके लिए प्रयत्न किया जाए, स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं, अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यदस्तीतिवादिनः
इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। ऐसे मनुष्यों को एक और प्रश्न होता है कि ऐसे मनुष्यों को अविपश्चिताः विवेकहीन कहने का क्या भाव है। तो इसका उत्तर है कि उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्य असत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। एक और प्रश्न होता है कि वाचम के साथ इमाम, याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है। इसका उत्तर है इमाम और याम विशेषणों से यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्म फल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली है, तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। एक और प्रश्न होता है कि यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद किसका वाचक है और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उन मनुष्यों की उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है। इसका उत्तर है 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायात्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद है। समाधीयते अस्मिन् बुद्धि ही इति समाधि ही, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है, तथा उपर्युक्त वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय प्रत्येक क्षण अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ परायण होते हैं, अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के ना होने की बात कहकर अब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति में रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। प्रश्न होता है कि त्रैगुण्य विषयाः पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रैगुण्य विषयाः कहने का क्या भाव है। तो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं, अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपाय भूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषयाः कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषयाः बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय हैं। एक और प्रश्न होता है कि निस्त्रैगुण्य होना क्या है। तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधन रूप समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होता है। यहाँ समरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता।
यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रैगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। एक और प्रश्न होता है कि द्वंद्व किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है। इसका उत्तर है सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। एक और प्रश्न होता है कि नित्य सत्व क्या है और इसमें स्थित होना क्या है। इसका उत्तर है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु हैं। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। एक और प्रश्न होता है कि नित्य सत्वस्थः, इसका अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है। इसका उत्तर है कि ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्म योग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। एक और प्रश्न होता है कि योग क्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योग क्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है। इसका उत्तर है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में इन दोनों में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाला मत बनो। श्लोक से संबंधित एक और प्रश्न होता है कि आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को प्राप्त कर सकता है, उनको पा सकता है। इसलिए भगवान यहां अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहते हैं। इससे आगे का वर्णन आप अगले प्रसारण में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।